चने हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी जो हम लोग कम ही डालेंगे, देखिए हमारे चावल से। चले जी अभी इसको दम पे लगा देंगे ना, जैसे आपको है ना। कैसे मेरी YouTube फैमिली में से ठीक हो गया, आपके दोनों सब बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, तो मैं जा रही हूँ गीत की दवाई लेने के लिए भी, और गीत की तबीयत जो ख़राब है वो भी जाऊँगी मैं, डॉक्टर के पास भी जाऊँगी दवाई लेने के लिए भी। और मैं बना रही हूँ बाहर चना पुलाव, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और गीत भी है यहाँ पे, हेलो बोलो गीत। हेलो। तो गीत को बहुत दिनों का फीवर इतना हुआ है और दवाइयाँ भी इतनी लेके आई हूँ, आराम भी नहीं आता। क्या शर्मा रही हो? शर्म आ रही है? कोई बात नहीं, तो आपने मेरी बेटी के लिए दवा भी करनी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और मेरी बेटी जो है ठीक हो जाए। तो चलें किचन में चलते हैं, और डैंड साहब जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं और बाहर ही हैं। मैं अभी आपसे मिलाती हूँ, यशवा भी पीछे, यशवा। तो चलें जी हम लोग बनाते हैं आज का खाना, और डैंड साहब भी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं? ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं चने का पुलाव और मैं हेल्प करूंगा शादी में। हाँ, तो ये देखें इसने तैयार करके मुझे सब कुछ दिया, सिर्फ मैंने तो बनाना ही है। ऊपर हमारी नन्नी मुन्नी सी देख भी है, और यहाँ पे हमें जो चीज़ हमें चाहिए थे तो किसी ने किया, कमेंट किया था, तो आपकी देख में जो आप बिरयानी बनाते हैं हमें बहुत ही अच्छी लगती है, तो इंशाल्लाह हम लोग बीफ की बिरयानी नैन साहब बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें फिर ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। पहले हमने अभी प्याज को ब्राउन करते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं, ठीक है, तो आपको दिखाते भी हैं। तो आपने बताना, मैंने थोड़ा सा कुछ ओवर तो नहीं कर लिया मेकअप, तो मैंने बस इतना नहीं किया। तो रैन साहब ने बोला आप जब भी बनाती है शादी की वीडियो बना लेते, थोड़ा सा तैयार व्यार भी हो जाओ, थोड़ा सा तो होना चाहिए। मेरा दिल नहीं करता तैयार होने को, और डैन साहब मुझे कहते रहते हैं थोड़ा सा तैयार हो जाओ भाई, कुछ लगा लो चेहरे पे। मैं कुछ भी नहीं लगाती, ऐसे ही बना लेती हूँ वीडियो। तो चले जी आपने बताना मैं कैसी लग रही हूँ, और अभी हम लोग जो रेसिपी बना रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपने मेरी बेटी के लिए दुआ भी करनी है, ठीक है, तो मिलते हैं फिर देर में। और डैन साहब बस पुलाव बनाते हैं, आज पुलाव खाएंगे। सही है। तो जैसा कि आपको बताया प्याज अभी ब्राउन कर रहे हैं, ब्राउन कर रहे हैं अभी हमने रखा हुआ है ऊपर। तो ये हैं जी खड़े मसाले जो डैन साहब ने अभी मुझे निकाल के दिए हैं, सारे खड़े मसाले हैं, टमाटर और हरी मिर्ची, और ये आधा किलो मैंने चने भिगो के उसको उबाल के रख दिया, ठीक है। ये है जी एक किलो चावल, कच्ची बासमती, कच्ची बासमती बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और अभी हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो जाए, और हम लोग जो है हरा मसाला भी चाहिए ना। हरा मसाला भी चाहिए, हरा मसाला, ये आ गया हमारा हरा मसाला, इसके बगैर तो कोई रेसिपी नहीं ना बनती, आपको पता है। तो हम लोग जो मसाले वाली हैं आज पुलाव बनाने वाले हैं, साथ हमने कुछ और भी करना था, फिर बस नहीं किया, कल निशा आएगी तो फिर हम लोग अच्छा साथ में बारबेक्यू करने का प्रोग्राम था, मगर फिर हमने कैंसिल कर दिया कि चलो कल की कॉल आ गई थी, फिर वो कल आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग कल बारबेक्यू भी करेंगे, साथ बारबेक्यू भी करेंगे। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ कि हमारा नाम ले, तो बिल्कुल वीडियो के आखिर पे हम लोग सबका नाम बनाम सबका नाम लेंगे कि जो जो हमारे नहीं उसमें वो अलग से, उसके ऊपर अलग से व्लॉग बनाएंगे। सही है, तो चलें जी वो गुड न्यूज़ की अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चले प्याज ब्राउन होता है फिर मिलते हैं आपसे। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, और जो खड़े मसाले ये डाल देंगे साथ, तो एक मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डाल देंगे। और डैन साहब हमेशा मेरे से चीटिंग करते हैं, अभी ये डैन साहब ने बनाना था पुलाव, फिर मुझे कहते आप बना, अभी ये मान भी गए। मैं भी साथ ही हूँ ना किचन में, साथ नहीं है, आपने बनाना था ना, तो आप मुझे आगे कर लेते हैं, तो बनाया करें आप भी डैन साहब, आपकी रेसिपी भी काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है। तो चलें जी ये टमाटर और हरी मिर्ची डाल देंगे साथ ही, थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। चलें जी ये देखें टमाटर हमारे हो चुके हैं, और अभी मैं जो ये वाले मसाले डालूंगी, गरम मसाले हैं ये सारे ना, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, हाँ ये बिरयानी मसाला एक चम्मच, ये लाल मिर्ची, ये काली मिर्ची, ये गरम मसाला, ये धनिया पाउडर, ये डालूंगा, ठीक है, ये डालूंगा। तो इसमें हम लोग ये वाला भी डाल देंगे, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन, और चम्मच यहाँ से पकड़ा इधर, तो
काफ़ी होगा। तो एक हमने पट्टी ये डाल दिया और इसमें हम लोग दही भी डाल सकते हैं। नैन साहब इधर करें, इसमें हम लोग दही भी डाल सकते हैं मगर है नहीं मेरे पास इस टाइम, तो मैं नहीं डाल रही, तो आप लोग डाल देना, अच्छा लगेगा आपको खिलाओ। इसके साथ ही हम लोग जो है चने भी डाल देंगे। अच्छे से 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी जो हम लोग कम ही डालेंगे, 1 किलो हमारे चावल थे, 1 किलो चने तो काफ़ी होंगे, चावल जो भीगे हुए हैं, ठीक है, तो पानी काफ़ी होगा। पानी कम हो तो चल जाता है, पानी ज़्यादा हो तो फिर गल जाते हैं। कम हो तो इंसान थोड़ा सा लंबा टाइम जो है दम पे रख के उसको पका सकता है। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी चले जी, पानी हमने डाल दिया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम में। आपको लग रहा होगा ये शांति है बच्चे, और दूसरे रूम में हम लोग चलते हैं और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। लाजर कमीज सीधी करो और यहाँ पे लाजर भी है और नैना कहाँ छुप गई हुँ? और यहाँ पे बाजी भी है और बाजी पहले छुप रही है अंधेरा हो रहा है, लाइट भी जल रही है फिर भी अंधेरा हो रहा है। और भाई भी हैं और साबो भी है यहाँ पे, तो अभी सब बैठे हुए हैं। और बाजी को बहुत शर्म आती है, पता नहीं क्या बात है, सब बोल रहे बाजी बहुत शर्माती है, हैं कोई फैड़े नहीं है बाजी बोलती है आपके जो भी काम है सब बैठे तो चलें जी, यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठी हुई है और गीत नैना इधर छुपी हुई है। मैं सोच रही नैना नहीं इस रूम में, और नैना ये देखें जी, नैना यहाँ पे छुपी हुई है। हेलो, और सर्दी लग रही है, तो शाम का टाइम है, सर्दी भी हो रही है हल्की हल्की। अच्छा फोन चला रहे हैं। और चले जी, अभी हमने पानी डाल दिया है, उसमें अभी हम लोग चावल डाल देंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जी पानी हो चुका है चावलों का, और देख लें आप कितना धुआं हो रहा है। तो अभी इसमें हम लोग जो है एक नींबू मैंने काटा था यहाँ पे, अच्छा इसका फ्लेवर लगा कर चटपटा सा हो जाएगा, और ये डाल देंगे। और पुदीना, पुदीना भी बस साथ ही डाल देंगे, खुशबू के लिए अच्छा लगता है, और पुदीने की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। और चावल है, और इसमें से हम पानी भी डाल देंगे। तो अभी हम लोग जो है चावल डाल देंगे इसमें सारे, नमक चेक कर लेंगे, तो थोड़ा सा कम है, अभी नमक और डाल देंगे हम लोग। तो मैं चमचे के साथ नहीं डालती, ऐसे ही चेक करके डाल लेती हूँ, मेरी अम्मा भी ऐसे बनाती थी और मैं भी ऐसे बना लेती हूँ। कम था तो इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, काफ़ी कम था तो इसको भी मिक्स कर देंगे। तो जी रख देंगे इसको पकने के लिए, आपको इसकी चलें चलें जी, हम इसको चावल देख लेंगे। और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, और हमारा जो पुलाव है मसाले वाला वो भी तैयार हो चुका, और नींबू डालने से इतना चटपटा जायका आ रहा है, मैंने चेक किया था अभी, नमक तो बहुत मज़ा आ रहा था, तो इंशाल्लाह चावल भी बहुत अच्छे होंगे। चले जी अभी इसको दम पे लगा देंगे ना, डैन साहब हो गए ना, हो गए हाँ, तो दम पे अभी लगा देंगे इसको लो। तो चावल मैंने दम पे रख दिए हैं, और दम वाली आँच हम जो है वो कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और क्या नाम थे अभी, चलें जी, आज हमने पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और दम पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे है जी सना, हमें उसने बोला था अंडी मेरा नाम लेना, और आपकी जो है हमें बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ही बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मैंने पुलाव बनाया, तो सना हमने बताना कैसा लगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियो देखते हैं, और सब जितने भी हमारे बहन भाई हैं सबका शुक्रिया और थैंक यू। और बस मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग हमें अच्छे से कमेंट भी करते हैं, और मैं पढ़ती हूँ, मैं दिल से खुश होती हूँ, और मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, खुदा आपको इतना दे और खुश रहे आप जहाँ भी रहें, और बस गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में भी।